एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक बहुत ही मज़ेदार सा टॉपिक जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम मोस्टली वही क्वेश्चन कवर अप करने की कोशिश करते हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं आपका कस्टम लॉ के बारे में और उससे रिलेटेड आपके जो टैरिफ्स होते हैं उसके बारे में। तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना और साथ ही साथ जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नाउ लेट्स डिस्कस कि सबसे पहले कस्टम ड्यूटी होती क्या है। सो कस्टम लॉ इज़ अ ड्यूटी, एक तरीके से कस्टम लॉ कह लीजिए या एक ड्यूटी जो है वो टैक्स है विच इज़ लेविड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स इन टू द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम इंडिया। क्या बोला गया है, देखिए जो आपकी कस्टम ड्यूटी है या फिर जो आपके चार्जेस हैं वो आपका एक तरीके से टैक्स होता है जो कि कलेक्ट किया जा रहा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, यानी मोदी जी द्वारा, जो कि अभी जो है मोदी जी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कलेक्ट किया जा रहा होता है। और ये कब कब कलेक्ट होता है, ये कलेक्ट होता है जब आप बाहर से अपने इंडिया से बाहर से कुछ सामान जो है इम्पोर्ट करते हो, लेते हो या फिर जो है एक्सपोर्ट करते हो। ठीक है, तो दोनों सिचुएशन में इम्पोर्ट ऑफ गुड्स इनटू एंड एक्सपोर्ट गुड्स फ्रॉम इंडिया, तो दोनों सिचुएशन में आपसे जो है थोड़ा सा टैक्स कलेक्ट किया जाता है जो कि आपका होता है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कलेक्ट, और इसको कहा जाता है कस्टम ड्यूटी। क्वांटम ऑफ कस्टम ड्यूटी डिपेंड्स अपॉन द प्रोविजन ऑफ कस्टम एक्ट 1962 एंड कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 एंड रिलेटेड कस्टम रूल्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, केस लॉ एंड एनुअल फाइनेंस एक्ट। कस्टम एक्ट 1962 इज़ द मेन एक्ट गवर्निंग कस्टम ड्यूटी। देखिए जो कस्टम ड्यूटीज़ होती हैं वो कहाँ कहाँ पर डिपेंड करती हैं, किन किन प्रोविजन्स पर डिपेंड करती हैं, तो ये कस्टम एक्ट 1962 पर डिपेंड करती है। कस्टम टैरिफ एक्ट होता है उसमें भी आपके जो है इससे रिलेटेड ड्यूटीज़ की बात की जाती है। कस्टम रूल्स के अकॉर्डिंग इनके जो भी नोटिफिकेशन सर्कुलर आते हैं, केस लॉज होते हैं, या फिर जो है आपका साल में जो एक बार फाइनेंस एक्ट हो रहा होता है, फाइनेंस बिल्स आ रहे होते हैं उसमें भी ये जो है चेंज हो रहे होते हैं। तो फाइनेंस एक्ट में भी जो है अगर बदलाव है कुछ है तो वो भी कस्टम ड्यूटी पर कहीं ना कहीं कुछ इफेक्ट डाल सकता है। यहाँ पर जो मेन गवर्निंग होती है, मेन एक्ट है वो है कस्टम एक्ट 1962। कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 कंटेन्स टू शेड्यूल। जो आपका कस्टम टैरिफ एक्ट है 1975 का, उसमें आपके दो शेड्यूल होते हैं। शेड्यूल एक जो है वो क्लासिफिकेशन करता है एंड रेट्स बताता है ड्यूटी के फॉर इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स इनटू इंडिया। यानी आपके कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 में दो शेड्यूल है, शेड्यूल एक, शेड्यूल दो। शेड्यूल एक बताता है जो आप इम्पोर्ट करोगे गुड्स इंडिया में बाहर से उसकी क्या ड्यूटीज़, क्या रेट्स होंगे, रेट ऑफ ड्यूटीज़ क्या होंगी वो बताएगा। वहीं शेड्यूल टू बताएगा कि जो ड्यूटीज़ हैं वो क्या होंगी जब आप गुड्स जो हैं एक्सपोर्ट करोगे इंडिया से बाहर। यानी एक शेड्यूल इंपोर्ट की बात करेगा, दूसरा शेड्यूल आपके एक्सपोर्ट की बात करेगा, और ये शेड्यूल आपका कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 में होता है। सेक्शन 156 ऑफ कस्टम एक्ट एम्पावर्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स इन दिस रिगार्ड कंसिस्ट विद प्रोविजन ऑफ द एक्ट। जब भी आप कोई एक्ट देखोगे, रूल्स देखोगे, वहाँ पे आपको एक चीज़ दिखेगी, वो ये दिखेगी कि गवर्नमेंट एक्ट बनाते टाइम पे एक चीज़ वहाँ डाल देती है कि एज पर द नोटिफिकेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि वो अपने आप को अथॉरिटी दे देती है उस एक्ट के तहत कि हमें जो है पावर होगी कि हम कल को इसमें चेंजेस कर सकते हैं, हमें जो है ये पावर होगी कि हम कल को इसमें जो है कुछ नोटिफिकेशन ला करके एड ऑन या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेक्शन नंबर 156 जो है कस्टम एक्ट का, वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे देता है, क्योंकि उन्होंने उसमें बोल दिया कि वो जो है रूल्स बना सकते हैं इसके जो है रिलेटेड जो आपके प्रोविजन ऑफ एक्ट है उसके कंसिस्ट करते हुए रिगार्ड कंसिस्टेंस वो कोई भी रूल लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट इज टैक्सेबल इवेंट इन केस ऑफ इम्पोर्ट। इम्पोर्ट के टाइम पे आपके कौन कौन से टैक्सेबल इवेंट होते हैं। इम्पोर्ट इज़ कम्प्लीट एज सून एज गुड्स एंटर टेरिटरी, वाटर,
टैक्सेबल इवेंट इन द केस ऑफ इम्पोर्ट इज द डे अकॉर्डिंग टू. देखिए आपका जो इम्पोर्ट होता है वो ऐसे ही कंप्लीट हो जाता है जैसे ही आपके गुड्स जो है वो आपकी टेरिटोरियल वाटर में जो है आ जाते हैं. जो आपके आपका हिस्सा है, आपका जो है देश है, आपके देश का जो हिस्सा है जो कि आपके डेफिनेशन में आता है, उसके अंदर आते ही जो है उसको इम्पोर्ट का इवेंट मान लिया जाएगा. इन केस ऑफ गुड्स एंटर्ड फॉर होम कंजम्पशन, अगर आपने बाहर से कोई गुड्स मंगाए हैं, सामान मंगाया है अपने होम कंजम्पशन के लिए, पर्सनल कंजम्पशन के लिए, सो डेट ऑन विच बिल ऑफ एंट्री इज रिस्पेक्ट ऑफ सच गुड इज प्रेजेंटेड, तो उस सिचुएशन में जो टैक्सेबल इवेंट होगा यानी जब वो टैक्सेबल बन जाएगा वो कब होगा, उस डेट में जिस डेट में बिल ऑफ एंट्री जो है उस गुड्स की प्रेजेंट की जाती है कि ये लो ये बिल ऑफ एंट्री है, माल आ गया है. इफ बिल ऑफ एंट्री हैज़ बीन प्रेजेंटेड बिफोर द डेट ऑफ एंट्री इन वर्ड ऑफ द वेसल एयरक्राफ्ट व्हीकल द बिल ऑफ एंट्री शैल बी डीम टू हैव बीन प्रेजेंटेड ऑन द डेट ऑफ सच एंट्री इन वर्ड और द अराइवल. अगर ऐसा हुआ है कि अभी तक जो है वेसल अगर बाय सी आ रहा होता है तो वेसल में आता है, प्लेन से आ रहा है तो एयरक्राफ्ट से, रोड के थ्रू आ रहा है तो व्हीकल से, तो अगर इन सब के आने से पहले, ठीक है, इन सब की एंट्री से पहले अगर बिल ऑफ एंट्री बन गई है, बन जो है आ गई है, प्रेजेंट हो गई है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, आपकी जब माल आ जाएगा तब जो है वो शैल बी डीम टू हैव बीन प्रेजेंटेड, उस टाइम पर माना जाएगा कि ये इस डेट पर प्रेजेंट की गई है. Warehoused goods, अगर जो है warehoused में goods आए हैं तो date on which bill of entry is presented for clearance from warehouse for home consumption, आपका जो है warehouse में goods आ गए, अब आप क्या करोगे, bill of entry दिखाओगे, लेकर के चले जाओगे. तो ऐसे situation में यहाँ पे वो date जहाँ पे आप bill of entry present कर रहे हो और अपने goods को clear करा रहे हो warehouse से अपने consumption के लिए, home consumption के लिए, तो उस date पे जब आपने अपना bill of entry present किया है ताकि आप अपना warehouse से clearance ले सको, तब आपका वो टैक्सेबल इवेंट होगा. एनी अदर केस, डेट ऑन विच ड्यूटी इज पेड, अगर और कोई केस है तो जिस भी डेट पे आपने ड्यूटी पे की है उस दिन को मान लिया जाएगा. अबव रूल्स नॉट एप्लीकेबल फॉर बैगेज एंड गुड्स इम्पोर्टेड बाय पोस्ट, अगर आपने जो है बैगेज के लिए बैगेज लेकर के आए हो तो उसके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है रूल. साथ ही साथ अगर आपने गुड्स इम्पोर्ट किया है बाय पोस्ट, बाय पोस्ट अगर कुछ आया है आपका तो भी ये जो है इवेंट यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है. अब बात करते हैं एक्सपोर्ट की सिचुएशन में, तो एक्सपोर्ट इज़ कंप्लीटेड व्हेन गुड्स क्रॉस टेरिटरी वाटर ऑफ इंडिया, जैसे ही इंडिया की टेरिटोरियल वाटर क्रॉस कर लेगा वैसे ही जो है उसको एक्सपोर्ट मान लिया जाएगा कि अब अपने देश से बाहर चला गया. इवन इफ एक्सपोर्ट ड्यूटी इज कलेक्टेड बिफोर शिप लीव्स द पोर्ट, चाहे आपने जो है एक्सपोर्ट ड्यूटी क्या कर ली है, पहले ही कलेक्ट कर ली है, अभी तक आपकी शिप छूटी नहीं है बट स्टिल आपने कलेक्ट कर ली, इट डज़ नॉट मीन दैट टैक्सेबल इवेंट हैज़ बीन टेकन, यानी पहले अगर आपने ड्यूटीज ले ली है इसका मतलब ये नहीं है कि वो टैक्सेबल इवेंट हो गया है. टैक्सेबल इवेंट कब माना जाएगा, जब वो आपकी जो है टेरिटरी को क्रॉस कर जाएगा. एग्जांपल, अगर आपने गुड्स जो है एक्सपोर्ट किए हैं और जो है शिप सिंक हो जाती है, डूब जाती है आपकी टेरिटरी में ही, यानी अभी तक जो है आपके देश के टेरिटरी में थी, आपके टेरिटोरियल वाटर में है और वो जो है शिप डूब गई है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में इसको एक्सपोर्ट नहीं माना जाएगा और एक्सपोर्ट ड्यूटी भी जो है फिर एप्लीकेबल नहीं होगी. अब बात करते हैं टाइप ऑफ कस्टम ड्यूटीज़, कितने टाइप की आपकी कस्टम ड्यूटीज़ होती हैं, बेसिक कस्टम ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, देन आपका स्पेशल काउंटरवेलिंग ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, प्रोटेक्टिव ड्यूटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स कंपनसेशन सेस एंड सोशल वेलफेयर चार्जेस. सो ये सारी आपकी जो है टाइप ऑफ कस्टम ड्यूटीज़ होती हैं जिसके बारे में आने वाले वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे. टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ.